Hello students, welcome back to the class. In previous class we have solved magic square, and today's class there is magic hexagons. Do you know what is hexagons? पता है क्या आपको hexagons क्या होते हैं? चलो पहले ये देखते हैं hexagons क्या होते हैं. Okay? Students, this is a square. A square has four equal sides. And in hexagon there is six equal sides, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. इस क्लास में हम मैजिक हेक्सागन को सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज द मैजिकल हेक्सागन. जैसे मैजिक स्क्वायर में हमें कुछ हिंट मिले थे और कुछ रूल्स थे, तो देखते हैं इसमें क्या रूल्स हैं. सबसे पहले नोटिफिकेशन है, ईच साइड हैज़ टू सर्कल्स एंड वन बॉक्स. वन साइड टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स साइड्स आर देयर एंड दे हैव सेड ईच साइड हैज़ टू सर्कल्स एंड वन बॉक्स. एक साइड में टू सर्कल्स हैं और वन बॉक्स है. टू सर्कल वन बॉक्स, टू सर्कल एंड वन बॉक्स. ओके, the rule is you get the number in each box multiplying the numbers in the circle next to it. rule hai in do circle mein jo numbers honge unko multiply karne ke baad jo product aayega yahan pe hame wo likhna hai. okay, pure hexagon ko hame aise hi fill karna hai. I repeat, in circle mein jo bhi number honge हमें उनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें इस बॉक्स में लिखना है. ओके, जैसे इन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 11 नाइन ज़ार 99. यस, ये पूरी साइड फिल हो गई. इन टू नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया 99. ओके, तो अब आगे देखते हैं. इस बॉक्स में है 108, 108. ये 108 इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए. ओके, तो एक नंबर तो हमें पता है, यहाँ पे 9 लिखा है. दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, सोचो कि 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 108 आ जाए. 108, सोचिए. एक बात बताऊँ आपको ना, इसके लिए टेबल आना मस्ट है. अगर आपको टेबल से याद नहीं है तो आप ये कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पे 9, 11, 6, 17 इनके टेबल लिखे हुए हैं ना. मल्टीप्लाई करना है आपको, तो सबसे पहले टेबल याद करना. ओके, अब पहले मुझे बताओ कि 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 108 आए. जल्दी सोचो, 12 लाइन्स आर 108. यस, तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, 12 लाइन्स आर 108. वेरी गुड. अब देखो, अगेन हमें हिंट मिल गया, यहाँ पे 12 है और इस वाले सर्कल में क्या है, 7. अभी हमने रूल में पढ़ा ना कि सर्कल में जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमें कहाँ पे लिखना है, बॉक्स में लिखना है. ओके, तो 12 7 ज़ार क्या होता है, 12 7 ज़ार 84. वेरी गुड. आगे देखते हैं, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों फील्ड हैं, इसमें है 7 और इसमें है 17. तो फटाफट से 17 को 7 से मल्टीप्लाई करो और बताओ कि प्रोडक्ट क्या आएगा. जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 7 7 ज़ार 49, 9 यहाँ लिखा, 4 ज़ार
सेवन वन ज़ार सेवन, सेवन एंड फोर इलेवन, वन नाइनटीन. प्रोडक्ट कितना है? 119. ये वाला बॉक्स भी फिल हो गया. अब आगे आते हैं 17 और यहाँ पे है 6. 17 इंटू 6, 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से. और उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हम कहाँ लिखेंगे? इस वाले बॉक्स में. करो फटाफट से मल्टीप्लाई 17 को 6 से. किया? क्या प्रोडक्ट है? 102. वेरी गुड. अब बस एक बॉक्स बचा है और उसके बाद हमारा मैजिक हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो देखो यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है 6. 11 को 6 से मल्टीप्लाई करके फटाफट से बताओ कि इस वाले बॉक्स में क्या आना चाहिए. 11 सिक्स आर यस 66. वेरी गुड. वी हैव कम्प्लीटेड. पूरा हेक्सागन कम्प्लीट हो गया ना, मैजिक हेक्सागन हमने इसको कम्प्लीट कर दिया. बस हमें एक रूल पता था और उसी रूल को फॉलो करके हमने इसको कम्प्लीट कर लिया. बच्चों मज़ेदार था ना बहुत. अब आपकी बुक में एक और है, आप उसको अपने आप फिल करोगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.